वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक अभी तक आपने जो भी पढ़ा है इस मैगजीन में दिस इज़ द मोस्ट कंसेप्चुअल पार्ट टिल नाउ सो गिव योर हंड्रेड टेन परसेंट फोकस आई विल एक्सप्लेन यू एवरी थिंग एंड अभी जो जितने भी आर्टिकल हैं इसके बाद दैट इज स्टेट फिनांसेस आफ्टर दैट स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर देन पब्लिक डेट ऑफ इंडिया एंड ऑफ बजट बोरोइंग एंड देन करंट अकाउंट डेफिसिट ये सभी आपस में एक तरह से रिलेटेड हैं क्योंकि अभी जो ऊपर आप देख रहे हैं टोटल ये चार जो है मेजर आउटकम्स हैं और इसके बारे में डिटेल में हर एक सब टॉपिक्स में डिस्कस किया गया है पहले ये समझ लेते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है तो क्या होता है क्या आर जो है हर साल एवरी ईयर हर एक स्टेट गवर्नमेंट का बजट को स्टडी करता है बजट स्टडी मीन्स इट्स रिवेन्यू इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर इट्स रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इस तरह की सब कुछ को स्टडी करके आर उसके बाद पब्लिश करता है रिपोर्ट और इस साल जो आर ने रिपोर्ट पब्लिश किया है उसका टाइटल है स्टेट अ स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023 ट्वेंटी टू ट्वेंटी और थीम ऑफ रिपोर्ट कुछ इस तरह से है कि रेवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट्स कुछ इस तरह की रिपोर्ट है स्टेट स्टडी ऑफ बजट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री टू ट्वेंटी फोर रिवेन्यू डायनेमिक्स एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट पब्लिस्ड बाय आरबीआई। टोटल मेजर फोर आउटकम्स मेन पॉइंट में डिस्कस करता है मैगजीन फर्स्ट है कैपिटल आउटले, सेकेंड डेब टू जी रेशियो, थर्ड स्टेट कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेपिसोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फोर्थ वन इज इंक्रीज टैक्स बोइंसी ये सब चीज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं व्हाट इज कैपिटल आउटले देन यू विल अंडरस्टैंड दे मीनिंग इस रिपोर्ट में क्या कहना चाहता है कैपिटल आउटले का मतलब क्या है मेजरली जब आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे जनरली ये दिखाएगा कि कैपिटल आउटले और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों अप्रॉक्स सेम चीज़ है और मेजर डिटेल में जब आप जाएंगे देर यू कैन गेट द कैपिटल आउटले मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रीपेमेंट ऑफ लोन यहाँ से भी बात नहीं बनेगी समझने वाली पॉइंट इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा देखना होगा बेसिक्स बेसिक Basic मतलब क्या गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है वेदर इट इज गवर्नमेंट हो और वेदर इट इज़ स्टेट गवर्नमेंट बजट को हम लोग जो जिस तरह से अपनी पूरी खर्च को बैलेंस को प्रेजेंट करते हैं दो अकाउंट में हम लोग इसे रखते हैं वन इज नोन एज रिवेन्यू अकाउंट एंड अनदर वन इज कैपिटल अकाउंट मैंने इस पार्ट को अभी मैं पूरी डिटेल में तो डिस्कस नहीं करूँगा यदि आपको डिटेल में समझना है देयर इज़ वीडियो इन ऑन आवर चैनल तो आप एक वीडियो है उसका टाइटल है बजट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट उस वीडियो में स्टार्ट करना है आपको 54 मिनट से एंड एंड करना है वन आवर 17 मिनट पे तो आपको इंटायर कंसेप्ट रिगार्डिंग इस पर बजट रेवेन्यू अकाउंट कैपिटल अकाउंट रेवेन्यू रिसीट कैपिटल रिसीट देन आफ्टर कितने तरह के डेफिसिट होता है वेदर इट इज़ बजट डेफिसिट वेदर इट इज़ फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर प्रम्स आप एक बार प्रीवियस ईयर निकाल के देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कितना क्वेश्चन इससे आता है यदि आपकी कंसेप्ट क्लियर है सो वेल एंड गुड नहीं कंसेप्ट क्लियर है अभी जाके मस्ट पहले इस वीडियो को आप देख लीजिए मेजर स्टैंडिंग आपकी आ जाएगी मैं अभी बस ऊपर ऊपर से बात करूंगा बिकॉज फिर टाइम बहुत ज्यादा जाता है इसमें सो so गवर्नमेंट अपने बजट को दो अकाउंट में पब्लिश करती है एक रिवेन्यू अकाउंट एक कैपिटल अकाउंट मैंने इसे समझाने के लिए बताया था इसे आप छोटी पर्स बोलिए और छोटी पर्स मतलब डेली का एक्टिविटी के लिए जो भी मनी गवर्नमेंट आइदर गवर्नमेंट को मनी आ रहा है डेली मनी जो आ रहा है और डेली जो खर्च कर रहा है जो डेली आ रहा है दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट और जो डेली खर्च हो रहा है दैट इज़ नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को मनी डेली कहाँ से आता है डेली मनी आदमी गवर्नमेंट को आता है थ्रू इनकम टैक्स इनकम टैक्स आप डेली इनकम अर्न करते हो डेली टैक्स देते हो आपको लगता है कि हम सैलरी तो मंथली ले लेते हैं बट वो मंथली मंथली सैलरी ऐड होता है आपके डेली वर्क से सो so, गवर्नमेंट को भी सैलरी डेली जाता है कॉरपोरेट टैक्स है जीएसटी है कस्टम ड्यूटी है और नॉन टैक्स वाला कैसे आता है फी फाइन आप कहीं घूमने जाते हो तो वहाँ से आप फी देते हो उसका हिस्टोरिकल प्लेस फी भरते हो उसके बाद गवर्नमेंट कई स्टेट को लोन देती है तो उसका इंटरेस्ट मिलता है ये सब पैसा गवर्नमेंट को आता है मेजर अभी बात इतना आपको समझना है दिस ऑल मनी गवर्नमेंट गेटिंग थ्रू मेजर वेट 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 हाँ ओके ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हुई कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है इसको मैंने बोला था बड़ी पर्स है ये गवर्नमेंट ओकेजनली इसे या तो खर्च करती है या गवर्नमेंट को मनी मिलता है इसे मैंने बड़ी पर्स के नाम से मैंने बताया था आपको तो ये जो कैपिटल अकाउंट है कैपिटल अकाउंट में भी एक बार मनी गवर्नमेंट को आएगा और एक बार मनी गवर्नमेंट इसे खर्च करेगा जो मनी आता है दैट इज़ नोन इज कैपिटल रिसीट और जो खर्च होता है दैट इज नोन इज कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट खर्च कहाँ कहाँ करती है गवर्नमेंट खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में मेजर मेजर जितने रोड स्कूल ये जितनी भी चीज़ें हैं दैट कम्स अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन क्यों क्योंकि रोड डेली नहीं बनता है गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डेली नहीं बनते हैं ओकेजनली बनता है सो यू कैन कीप ऑल दीज आइटम्स इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में और भी कुछ आता है क्या आता है लोन टू स्टेट गवर्नमेंट और रीपेमेंट ऑफ लोन मतलब इसमें से एक पार्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन एंड अनदर वन क्या है कि जो गवर्नमेंट जो लोन लेता है लोन क्यों लेता है अपनी खर्च को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट को मनी आता है दैट इज़ लोन्स एंड बोडोइंग वो कैपिटल रेसीट में मनी रखते हैं और जो खर्च करते हैं दैट इज़ कम्स अंडर द रीपेमेंट ऑफ लोन वाला अमाउंट कैपिटल एक्सपेंडिचर में मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ मैं अभी चूंकि आपको यदि पता होगा तो बहुत इजी आपको लग रहा होगा ये चीज़ सिंपल सी मैं बात आपको बताना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट का बजट का दो सेक्शन है रिवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट कैपिटल में एसेट क्रिएशन को जनरली रखते हैं तो एक बगल मनी गवर्नमेंट को आएगा गवर्नमेंट को मनी आने का सोर्सेस है गवर्नमेंट लोन ले लेती है वेदर इट इज इंटरनल सोर्स हो सकता है देश के अंदर से बैंक से लोन ले, ले लेता है गवर्नमेंट बाय इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी या हो सकता है वर्ल्ड बैंक से ले लिया फॉरेन इंस्टीट्यूशन से ले लिया तो ये मनी हो गया गवर्नमेंट अपने एसेट को कुछ बेच देता है जैसे एल का एसेट बेच दिया तो इन सब तरीके से गवर्नमेंट को मनी मिल जाती है एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है और ये जो मेजर लोन लिया है इस लोन को रीपे भी तो करना है जब रीपे करेंगे तो वो हम डाल देंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर साइड में ये मेजर है तो आपने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इज होल बास्केट और इस बास्केट में यदि आप ओनली बात कर रहे हो इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का और रिपेमेंट ऑफ लोन को काट दे रहे हो दैट इज नोन एज कैपिटल आउटले जो कि रिपोर्ट में बात करता है कैपिटल आउटले मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर में कौन सा पैसा को निकाल देना है रिपेमेंट ऑफ लोन दैट इज़ ओनली आप बात कीजिए कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएसन किए सो कैपिटल आउटले के बारे में रिपोर्ट कहता है क्या कि कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंक्रीज़ हुआ है कितना इंक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीज़ बाय फोर्टी टू परसेंट और ये फोर्टी टू परसेंट कहाँ से इंक्रीज हुआ है टू पॉइंट नाइन परसेंट ऐसा नहीं पढ़ना है फोर्टी इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है एंड दिस विल इक्वल टू और ये इक्वल टू है टू पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ जीडीपी जीडीपी का दो दशमलव नाइन परसेंट जो है इज इक्वल टू कैपिटल आउटले एक्सपेंडिचर क्लियर है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड बात करते हैं डेब्ड टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट डिक्लाइन अब ये भी सेकेंड पॉइंट समझते हैं डेब टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या होता है देखो होता क्या है कुछ इसे इस तरीके से समझते हैं डेवड वेट हा डेब्ट टू जी मैं एक आपसे सीनारी डिस्कस करता हूँ मतलब मान लो देर इज अ रिक्शा चालक ओके रिक्शा चालक आ, ये इसके पास टोटल आ, वन आ, कितना आ, मान लेते हैं वन लाख का जो है क्या है इसके पास कर्ज ओके डेप्ट है वन लाख करोड़ का एक रिक्शा पुलर है और मे बी एक पुअर पीपल है इसके पास एक लाख का कर्ज है ठीक है एंड अनदर पीपल इधर भी है एक पीपल है इसके पास भी एक लाख का कर्ज है ठीक है तो आपको अभी तो ये लग रहा होगा कि दोनों पीपल की स्थिति बराबर है दोनों एक एक लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ है बट जब हम आपसे ये बात अब कह दें ये जो पुअर पीपल है इसका जो है एनुअल इनकम इसके पास कितना है टोटल एसेट इसके पास या एनुअल इनकम मान लो हम कहते हैं थ्री लैख है इसके पास और जब हम बात कर रहे हैं इस पर्सन का इस पर्सन का एनुअल इनकम मान लो एक करोड़ रुपया है आपको अब ये फर्क आएगा कि वन लाख का जो इस पे जो कर्ज है दोनों के लिए बराबर नहीं है क्यों क्योंकि इसके पास एक लाख मतलब एक करोड़ इसके पास एसेट है एक करोड़ इसकी एनुअल इनकम है और उस एक करोड़ में वनली वन, वन लाख कर्ज है वो तो कभी भी रीपे कर देगा सो नॉट मेजर इशू नहीं है लेकिन जिसके पास तीन लाख है उसके पास एक लाख का कर्ज है दैट इज वेरी बिग इशू सेम है जब भी हम किसी डेब्ट को पढ़ते हैं तो हम उसको जीडीपी से कंपेयर करते हैं जब आप फिजिकल डेफिसिट निकालते हो तो आप वहां पे देखिएगा फिजिकल डेफिसिट जो निकलता है एफडी निकलता है विथ रिस्पेक्ट टू तो जी डी पी आप जी से कंपेयर करके बताइए अब हम कैसे कंपेयर कर दें श्रीलंका का जी का और उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू तो इंडिया या पाकिस्तान का जी डी रिस्पेक्ट टू इंडिया एक भिखारी है और एक हम लोग हैं तो हमारा बेस बड़ा है तो हम पे यदि थोड़ा डेब्ट ज्यादा भी है तो कोई इशू नहीं है बिकॉज़ हमारा ये बेस ज्यादा है सो so, इसलिए हम लोग डेब्ट टू जीडीपी रेशियो मतलब है हमारे जीडीपी के रिस्पेक्ट में हम कितना बाहर से कर्ज लिए हुए हैं वेदर इट इज बाहर इंटरनल सोर्स हो सकता है देश के अंदर से कर्ज या देश के बाहर से और एक चीज़ अब समझना है आपको जितना भी वन टू थ्री फोर रिपोर्ट है ये सभी स्टेट का रिपोर्ट है सें, आ, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है तो डेब टू जीडीपी रेशियो ऑफ स्टेट कह रहा है क्या ये डिक्लाइन हुआ है दैट मींस इट इज़ वेरी गुड पॉइंट है अच्छी बात है स्टेट का हमारा कर्ज कम हुआ है कितना कम हुआ है तो कह रहा है क्या दो में ये इकतीस था और प्रेजेंटली 2023 में ये 27 परसेंट आ गया मतलब जीडीपी का 27 परसेंट डेप्ट है किसका है ये डेप्ट स्टेट गवर्नमेंट का है अब एक रिपोर्ट में आपको यहाँ से दिखाता हूँ ये देखो तो यूनियन गवर्नमेंट का टोटल कितना डेट है यूनियन गवर्नमेंट का है डेट वेदर इट इज़ फिफ्टी सेवन परसेंट किसका डेप्ट है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी ये यूनियन गवर्नमेंट का है और स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट है ट्वेंटी एट परसेंट टोटल आप कंप्राइज कर दो, दोनों को आप ऐड करते हो तो टोटल यदि इंडिया का पब्लिक डेट आपसे कोई पूछे तो डेट इज इक्वल टू परसेंट ये इंडिया का डेट है इसमें से फिफ्टी सेवन परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का है हिस्सा और ट्वेंटी एट परसेंट स्टेट गवर्नमेंट का है इसमें लेकिन बोला क्या एनके सिंह की कमेटी एन के सिंह कौन थे हैं? तो फिफ्टीन फाइनेंशियल कमीशन के हेड जो है एन के सिंह ने बोला इतना डेब्ट सही नहीं है ये डेट होना चाहिए सिक्सटी परसेंट इस सिक्सटी परसेंट में फोर्टी परसेंट सेंटर का होना चाहिए और ट्वेंटी परसेंट डेब्ट जो है स्टेट का होना चाहिए कहाँ है ये बात मैगजीन ने भी बताया है आप यहाँ पे देखिए तो एन के सिंह की कमेटी ने कहा क्या कहा है एन के सिंह कमेटी रिकमेंडेड दैट डेट टू जे डी पी रेसियो ऑफ सेंटर एंड स्टेट बी सिक्सटी परसेंट बाई ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और इस सिक्सटी परसेंट में फोर्टी परसेंट होना चाहिए सेंटर का एंड ट्वेंटी परसेंट स्टेट्स का जो मैंने आपसे बात कहा इसमें बोला कि एक स्केप क्लाउज भी होना चाहिए मतलब क्या यदि कभी जैसे मान लो क्या कोई क्लामिटीज़ आ गया जैसे कि कोविड आया था जैसे कभी मान लो नेशनल सिक्योरिटी की बात हो एक्ट ऑफ वार हो ऐसे समय में अब तो इनकम कम हो जाएगा तो क्या गवर्नमेंट कुछ नहीं करे तो बोला कि ऐसे समय में स्केप क्लाउज है मतलब यदि गवर्नमेंट चाहे तो लोन क्या कर सकता है ये अमाउंट डेट का अमाउंट जो है बढ़ा सकता है इंक्रीज कर सकता है कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है सो इट इज़ द सेकेंड पॉइंट दैट इज डेट टू जीडीपी रेशियो नेक्स्ट स्टेट की जो ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट है विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी आल्सो इट इज़ डिक्लाइंड सो इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी कि फिजिकल डेफिसिट डिक्लाइन हुई है क्या होता है फिजिकल डेपसिट थोड़ा सा बस इसे समझते हैं आपको मैंने अभी जस्ट बताया इस डॉक्यूमेंट से कि गवर्नमेंट के पास एक सोर्स है बजट में इनकम का और एक सोर्स है खर्च का तो गवर्नमेंट जो इनकम अर्न करती है दैट इज़ फ्रॉम रिवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट और खर्च करने के लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सबको जोड़ दीजिए मतलब टोटल कितना मनी गवर्नमेंट खर्च कर रही है दैट इज एक्सपेंडिचर दिस एक्सपेंडिचर एंड दिस दिस एक्सपेंडिचर तो टोटल ऐड कर दिया इट इज़ नोन एज टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल खर्च कितना है तो हमेशा गवर्नमेंट जो है ना अपने अर्निंग से ज़्यादा खर्च करती है बिकॉज़ वी आर अ डेवलपिंग नेशन तो हमारे पास अभी बहुत ज़्यादा खर्च है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है हमें सोशल सेक्टर स्कीम चलाना है सो हमारी खर्च ज़्यादा है हमारी खर्च ज़्यादा है और हमारी खर्च ज़्यादा है अर्निंग कम है तो ऐसे केस में गवर्नमेंट क्या करता है कुछ एक्स्ट्रा मनी जो है लोन के रूप में ले लेता है इस खर्च को पूरा करने के लिए तो हम जितना लोन्स एंड बोरोइंग करते हैं दैट इज नोन एज फिजिकल डेफिसिट मतलब इस, इसका फार्मूला होता है बजट फिजिकल डेफिसिट का हियर इज द यिजिकल डेफिसिट बजट डेफिसिट बजट डेफिसिट मतलब क्या कि टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर बट अपने uh, में उसमें माइनस क्या कर देना है लोन्स एंड बोरोइंग बहुत ही आसान भाषा में मैं बताता हूँ डिटेल समझने के लिए आप वो वीडियो देखिएगा कि टोटल हमारा जितना भी खर्च है उस खर्च में हमारा रिवेन्यू साइड हमेशा कम पड़ता है हमारा इनकम कम है तो जितना हम एक्स्ट्रा मनी हम लोन के रूप में लेते हैं अपने खर्च को पूरा करने के लिए दैट इज़ नोन एज फिजिकल डेफिसिट तो हम जितना कर्ज कम ले उतना ही अच्छा है सो so, कम फिजिकल डेफिसिट गुड फॉर इकोनॉमी सो स्टेट का जो है टोटल कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट विथ रिस्पेक्ट टू जीडीपी ये डिक्लाइन हुआ है कितना डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम फोर पॉइंट वन परसेंट से टू पॉइंट एट परसेंट इतना हुआ है कम लेड बाई मॉडर्नाइजेशन इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कम हुआ है तो इसके लिए बोल रहा है कि डॉक्यूमेंट कि जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो हमारा खर्च हुआ है हमने खर्च को मॉडर मॉडरेट किए हैं मॉड्रेशन इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हम कम किए हैं मॉडरेट करके रखे हुए हैं अधिक नहीं है हमारा एंड इंक्रीज इन द रिवेन्यू कलेक्शन हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है ऑब्बियस बात है हमारा ये साइड बढ़ा है हमारा अर्निंग जो है बढ़ा है और हमने अपना खर्च को कम किया है सो so, तो इसका मतलब है फिजिकल डेपिसिट हमारा कम होगा फोर्थ पॉइंट इज इंक्रीज टैक्स बोइंसी अब ये टैक्स बोयनसी क्या होता है टैक्स बोएंसी का फार्मूला होता है टी बी इज इक्वस्ट टू चेंज इन टैक्स कलेक्शन कलेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन जी मतलब जैसे जैसे आपका जी डी होता है बढ़ता है तो आपका टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होता है तो ये टैक्स बोयंसी क्यों बढ़ा है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जी अब एग्जाम्पल से इसे यहाँ से समझो मान लो जी क्या था जी इज इनपुट टैक्स मतलब जितने लेवल पे प्रोडक्शन में इनपुट हो रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट है सपोज कि मेरे पास पहले व्हीट था वीट से हमने ब्रेड बनाया यहाँ पे हमने वैल्यू एडिशन किया फाइव रुपीज़ का इस फाइव रुपीज़ पे हमें टैक्स देना होगा तो जितना ज़्यादा पीपल मोर एंड मोर पीपल यदि क्या होगा आपका इस टैक्स रिजिम में आएगा जी के अंदर में आएगा इसका मतलब है उतना ही ज़्यादा वो पीपल क्या करेगा टैक्स में कंट्रीब्यूशन करेगा सो इफ मोर नंबर ऑफ पीपल कवर्ड अंडर जी एस टी सिस्टम दैट मीन्स इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन और जैसे टैक्स कलेक्शन इंक्रीज होगा तो दैट इज़ नोन एज टैक्स बोयंसी अब दैट मीन्स ये इंक्रीज होगा तो रिपोर्ट कहता है क्या? टैक्स बोयंसी जो इंक्रीज हुआ है क्यों क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और नीचे मैगजीन डिफाइन भी करता है टैक्स बॉयंसी रेफर्स टू रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ टैक्स रिवेन्यू रिसीट टू चेंज इन नेशनल इनकम जिस तरह से नेशनल इनकम चेंज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है ऑन दैट बेसिस टैक्स भी क्या हो रहा है बढ़ रहा है इफ़ टैक्स बॉयंसी इज ग्रेटर देन वन हो इसका मतलब क्या है कि रिवेन्यू जो है आपका टैक्स रिवेन्यू ग्रो फास्टर विथ रिस्पेक्ट टू ग्रोथ इन नेशनल इनकम ये फ्रैक्शन में वेरी क्लियर है कि यदि ये आपका ग्रेटर देन वन से बढ़ रहा है इसका मतलब है ये ऊपर वाला जो है ये फ्रैक्शन ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ये तब तो ग्रेटर देन वन आएगा क्योंकि मैथमेटिक्स सिंपल कहता है कोई भी डिनोमिनेटर यदि ये, ये आप क्या कर रहे हो ऊपर से नीचे ज़्यादा रख रहे हो एज फॉर एग्जाम्पल नीचे टेन है और नीचे आप एलेवन रख रहे हो तो इस फ्रैक्शन का वैल्यू लेस देन वन होगा बट यदि ग्रेटर देन वन है इसका मतलब है ऊपर ज़्यादा होगा जैसे कि टेन अप मान लो कर देते हैं हम कितना फाइव ऊपर ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू तो नीचे तो इसका वैल्यू टू आया दैट इज़ ग्रेटर देन वन इसलिए कहता है क्या यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन हो ग्रेटर देन वन हो इसका मतलब है ऊपर वाला टैक्स कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा रेट से इंक्रीज़ हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू तो जी उसके बाद हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि एनके सिंह कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था डेप टू तो जे रेशियो में सो so, ये ओवरऑल हमने ऊपर से हमने देखा कि टोटल जो की फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट है वो हमने यहाँ से समझा अब उसके बाद एक एक करके डिटेल में समझते हैं कि क्या कहना है स्टेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में कहता है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अप्रूव किया अब ये हालांकि अब हमने जो ऊपर वाला रिपोर्ट पढ़ा ये रिपोर्ट आर का रिपोर्ट इतना ही है अब इस रिपोर्ट को आप थोड़ा सा दोनों पॉइंट कई जगह जो है ये चीज़ मैच करेगा जो पॉइंट हमने अभी तक पढ़ा है और ये बट है डिफरेंट टॉपिक लेकिन दोनों का दोनों में कुछ रिलेशनस है वो आपको आगे पता चलेगा तो पहले ये न्यूज़ में क्यों है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डेट इज़ यहाँ से अब आ जाते हैं हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है क्या अप्रूव किया है टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ छप्पन हजार करोड़ फिफ्टी सिक्स थाउजेंड करोड़ इन सिक्सटीन स्टेट क्यों ये किया है क्योंकि गवर्नमेंट ने 2023 से 24 के बजट में ये घोषणा किया था कि हम जो है आ, कितना टोटल लगभग एक लाख करोड़ जो है हम क्या करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे इन डिफरेंट स्टेट्स टोटल दिस इज द पार्ट ऑफ बजट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 23 से 24 सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करेगा 1.3 पॉइंट थ्री करोड़ इन डिफरेंट स्टेट्स और ये जो 1.3 लाख करोड़ जो बांटा जाएगा टोटल है 1.3 पॉइंट थ्री करोड़ ये हर स्टेट को इसका शेयर मिलेगा जितना टोटल स्टेट है हमारे पास ट्वेंटी स्टेट्स है सब स्टेट्स को मिलेगा इस इसमें बांटा जाएगा बट इस मनी का ये खासियत क्या है कि 50 ईयर तक इस मनी पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो हर स्टेट और ये मनी सिर्फ किस काम का आएगा तो उसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करना है बाय दिस मनी सो तो इस जो बजट में जो उन्होंने जो वादा किया था उसका 50 परसेंट मनी अभी गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है दैट इज़ फिफ्टी करोड़ रुपीज़ और ये टोटल कितने स्टेट को मिला अभी सिक्सटीन स्टेट को मिला अबाउट द स्कीम समझते हैं और सिमिलर स्कीम फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड इन 2020 से 21 के लिए इन द कोविड के समय में ऑब्जेक्टिव क्या है क्यों आखिर जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है ना कि कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए जब कभी भी कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ता है अब इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में क्रिएट होता है तो वो लीड्स करता है मोर डेवलपमेंट मोर सेक्टर उससे डेवलप्ड होता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी क्रिएशन होगा तो उसके बाद कहता है क्या हाइयर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट मतलब क्या है इकोनमी में ये एक सिंपल सी समझो इसको सपोज दैट दिस इज अ विलेज ये है मेन मार्केट यदि एक सिंपल सा चीज़ क्या यहाँ पे बन जा रहा है एक रोड यदि बना दिया जा रहा है इससे देखो कितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को इससे हेल्प मिलेगी पहले बात तो विलेज का जितना प्रोड्यूस है वो ऑन टाइम जो है शहर के मंडी तक पहुँच पाएगा मार्केट तक पहुँच पाएगा उसके बाद इस पर कई सारे व्हीकल्स चलेगी इसके आसपास कई सारे जो है क्या शॉप खुलेंगे कई सारे इसमें लेबर इन्वाल्व होंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए तो मतलब एक रोड जो है वो हज़ारों बेनिफिट देता है एक वर्ल्ड बैंक का वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप वन रुपीज़ इन्वेस्ट करते हो तो दैट विल रिटर्न यू फाइव रुपीज़ आपको पाँच रुपये उससे बेनिफिट होता है मतलब वो इकोनॉमिक में वो इनपुट क्रिएट कर देता है यदि वन रुपीज़ इन्वेस्ट किया जाता है तो फाइव रुपीज़ का बेनिफिट होता है ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है सो so, तो वही कह रहा है पॉइंट ऑब्जेक्टिव है कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाना स्टेट्स में और हायर मल्टीप्लाइड इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर असिस्टेंस कितना है फिफ्टी ईयर्स के लिए है ये टोटल कितना देना है फिफ्टी ईयर इंटरेस्ट फ्री है ये टोटल सेंटर देगा वन पॉइंट थ्री लैख करोड़ टोटल एट पार्ट्स में इस मनी को डिवाइड करते हैं थोड़ा यहाँ पे एक बेसिक पार्ट समझना है वन पॉइंट एट लैख करोड़ जो है टोटल आठ पार्ट है पार्ट वन को हम लोग कहते हैं जनरल एलोकेशन हैज दी लार्जेस्ट एलोकेशन वन वन लैख करोड़ एक लाख ,00 करोड़ इस वन पॉइंट थ्री लाख करोड़ में से है जनरल एलोकेशन दैट इज ऑल स्टेट को बांट दिया जाएगा कैसे बांटा जाएगा पार्ट वन में पार्ट सर आइदर लिंक टू रिफॉर्म और नहीं एक सेकेंड ये वन लैख ,00 करोड़ जो यहाँ पे है वेटर सके मेरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ये वन लैख ,00 करोड़ को ऑल स्टेट्स को बांटा जाएगा जितने भी स्टेट्स हैं टोटल ट्वेंटी एट स्टेट्स प्लस यूटीज़ हैं उसको ये वन लाख करोड़ दिया जाएगा कैसे बांटा जाएगा सब में तो इसके लिए अब यहाँ पे आएंगे फाइनेंस कमीशन जिस तरह से फाइनेंस कमीशन टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितना भी टोटल टैक्स है इस टैक्स को हर स्टेट के साथ जिस फार्मूला से बांटा जाता है उस फार्मूला में टोटल पाँच छः फैक्टर्स हैं कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन जिसका जाता है जिसके यहाँ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है इस तरह क्राइटेरिया पे बेसिस पे सेंट्रल टैक्स हर स्टेट को दिया जाता है उसके रेशियो में बांटा जाता है ऑन द सेम बेसिस ये वन लाख करोड़ को बांटा जाएगा यहाँ पे हालांकि लिखा भी है नीचे द अमाउंट ऑफ पार्ट वन में जो एक लाख करोड़ है वन लैख सी आर एलोकेटड स्टेट इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस एंड ड्यूटी एज पर अवार्ड ऑफ फिफ्टींथ फिनांस कमीशन जिस तरह से कहता है जिस तरह से सेंट्रल डिवीजन पूल से डिवाइड होता है डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्स होता है उसी बेसिस पे इस एक लाख करोड़ को डिफरेंट स्टेट्स में बांट दिया जाएगा अब जहाँ तक रही बात टोटल आठ पार्ट में से जो रिमेनिंग सेवन पार्ट है दैट इज पार्ट टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये सभी डिपेंड करेगा रिफॉर्म oriented और सेक्टर स्पेसिफिक इसका क्या मतलब है गवर्नमेंट ने मान लो अब बोला क्या जो स्टेट जितना अच्छा काम करेगा हम उसको एज ए इंसेंटिव के तौर पे देंगे जैसे एग्जांपल पार्ट टू में गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है इंसेंटिवस फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स अब सब स्टेट को बोला कि जो पुरानी व्हीकल्स है उसको हटा दीजिए क्यों हटाना है क्योंकि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है तो इस स्क्रैपिंग पॉलिसी में जो स्टेट सबसे अच्छा काम करेगा उसको इस अमाउंट का ज़्यादा पैसा मिलेगा उसके बाद अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म अब मान लो अर्बन प्लानिंग के लिए अच्छा काम करता है तो उसको फिर मनी मिलेगा फाइनेंशियल रिफॉर्म कोई करता है इन अर्बन लोकल बॉडीज़ तो उस तो पार्ट फोर के अंदर उसे जो है ज़्यादा पैसा मिलेगा हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल इन द पुलिस स्टेशन एरिया तो यदि आप क्या करते हैं पुलिस पर्सनल के लिए आ, अच्छा घर बना देते हैं उस एरिया के अंदर में पुलिस स्टेशन के एरिया में ही पुलिस के रहने के लिए तो और इसमें से जो स्टेट सबसे अच्छा काम करेगा उसको मनी मिलेगा ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिटी मॉल यूनिटी मॉल जो जो स्टेट क्रिएट करेगा उसको जो है क्या पैसा अधिक मिलेगा अब यूनिटी मॉल क्या होता है यूनिटी मॉल में क्या होता है जितने भी स्टार्टअप्स हैं उसका सामान को प्रमोट किया जाता है यूनिटी मॉल में एंड पार्ट सेवन के अंदर में है यदि चिल्ड्रेन और एडोलसेंट के लिए लाइब्रेरी को स्टेट बनाता है तो उसे इंसेंटिवाइज़ किया जाएगा और इंसेंटिव फॉर इंप्लीमेंटिंग टाइमली रिलीज ऑफ सी एस एस फंड अब जैसे मान लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा का पैसा भेजा स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट ने उसे जल्दी से खर्च ही नहीं किया मतलब वो डिसबर्समेंट नहीं किया तो लेकिन इस केस में कोई स्टेट जल्दी ये सब कुछ कर दिया जल्दी लेबर को सारा पैसा दे दिया तो ऐसे केस में भी उस स्टेट को इंसेंटिवाइज किया जाएगा तो टोटल ये एट कैटेगरी में मनी को दिया जाएगा कहता है उसके बाद ट्रेंड क्या है ट्रेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय स्टेट्स अब बात करते हैं ये ट्रेंड का एंड दिस ट्रेंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पसेस तो कहता है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ रिमेन्ड सेम इन फिनंशियल ईयर 2023 ट्वेंटी थ्री विथ रिस्पेक्ट टू पिछले साल के कंपेरिजन में 2023 का कैपिटल अब एक चीज़ और मैं ये जो यहाँ पे ट्रेंड है ना ये ट्रेंड आप तभी मैंने आपको बताया कि ये बिल्कुल अलग स्कीम से ये टॉपिक न्यूज़ में है बट ये ट्रेंड फिर आपको कहाँ से देखने को मिल रहा है दिस ट्रेंड इज आर का जो स्टेट रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट से ये ट्रेंड यहाँ पे मैगजीन में डाला गया है सो so, इसलिए दोनों कंबाइंड है ये मैंने पहले ही बताया आपको तो क्या कह रहा है यहाँ पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ रिमेंड सेम रहा है फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी में विद रिस्पेक्ट टू ट्वेंटी और जो कि कितना है ट्वेंटी है और उसके बाद कहता है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बाई स्टेट्स ऑन सब्सिडी रोज एट फास्टर पेस इवन अ तो ये ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सब्सिडी जो है ना वो काफ़ी फास्ट फास्टली इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का ग्रोथ नहीं हो पाया है कैपिटल एक्सपेंडिंग स्लो रहा है बिकॉज ऑफ सब्सिडीज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो नोन एज कैपेक्स uh, जो पर लिखा है दैट इज नोन एज उसका शॉर्ट फॉर्म है कैपिटल एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ स्पेंड करता है गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू स्कूल बनाने में कॉलेज बनाने में हॉस्पिटल रोड ब्रिज डैम रेलवे लाइन्स एयरपोर्ट एंड सी पोर्ट जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है दैट इज थ्रू कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का कहता है क्या कि टारगेट कितना है तो टारगेट अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा आप देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रुप ने स्टडी किया और टोटल कहता है क्या ट्वेंटी फाइव देयर कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट मतलब क्या है हर स्टेट ने मान लो अपना एक टारगेट बनाया होगा कि हम हंड्रेड परसेंट ये अचीव करेंगे हंड्रेड परसेंट मतलब क्या अपना उसका जो भी टारगेट होगा कि एज फॉर एग्जाम्पल पांच स्कूल बनाने का किसी स्टेट का बहुत ही छोटा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ पाँच स्कूल बनाने का पार्टिकुलर एक मान लो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है बनाने का उसका उसने अपना एक टारगेट रखा लेकिन वो क्या किया टोटल थ्री स्कूल ही बना पाया दैट इज सेवेंटी सिक्स परसेंट टारगेट को उन्होंने अचीव किया यही कह रहा है क्या बैंक ऑफ बड़ौदा की स्टडी ये बताती है पच्चीस स्टेट ने जो है अपना सेवेंटी टारगेट अचीव किया एंड देन कैपिटल आउटले विथ रिस्पेक्ट टू जी रेशियो कैपिटल आउटले विथ रिस्पेक्ट टू जी रेशियो तो स्टेट्स कैपिटल आउटले विथ रिस्पेक्ट टू जी डी पी रेसियो इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ये इम्प्रूव हुआ है एक पॉइंट फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ मैंने सबसे पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था अभी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एक्सपेंडिचर हाउ विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल आउटले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल को हम कहते हैं जहाँ पे हमें रिपेमेंट ऑफ लोन भी करना है इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएशन करना है तो इसका ग्रोथ सेम है लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम बात करें क्या कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने का तो इसमें जो है इम्प्रूव हुआ है ग्रोथ कितना टू पॉइंट थ्री परसेंट से टू पॉइंट नाइन परसेंट होप ये क्लियर है आपको हंड्रेड परसेंट माइंड में एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ ये पूरी की पूरी चीज़ को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं बट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन कैपिटल आउटले तो इसमें अच्छा ग्रोथ है लेकिन ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है ये हमारा सेम रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर दैट इज द रिपोर्ट से इंक्रीज कैपेक्स अब कहता है क्या सेंटर का क्या क्या सपोर्ट है मतलब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब क्या क्या हेल्प कर रहे हैं हर एक स्टेट को किस लिए टू इंक्रीज करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को कतः क्या अर्ली रिलीज ऑफ फंड फंड थोड़ा जल्दी रिलीज कर दे तो क्या होगा जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा लेट से ना करे उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेगुलेटेड स्टेट्स बोरोइंग अंडर आर्टिकल टू नाइन्टी थ्री एक चीज़ आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये पॉलिटी का आर्टिकल है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल टू नाइनटी थ्री जिसमें कि आपको एक चीज़ पता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अपने मन से बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के वो बाहर से कहीं से लोन नहीं ले सकता है स्टेट कान टेक एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कब जबकि कुछ भी पैसा इवन वन रुपीज भी बकाया हो किसका सेंट्रल गवर्नमेंट का किसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास एज फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट दिस इज हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले मान लो कि एक लाख करोड़ रुपए लिया था वन लाख करोड़ रुपए लिया था इसने जो है नाइन्टी थाउजेंड करोड़ वापस कर दिया ओनली टेन करोड़ मनी बचा हुआ है ऐसे केस में हरियाणा गवर्नमेंट कहीं आउटसाइड से लोन नहीं ले सकता है जब बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसेंट के यदि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे ले लो तो ले लो अदरवाइज विदाउट कंसेंट लेना है तो पहले ये टेन थाउजेंड करोड़ क्लियर करना होगा पैसा तब जाके ले सकता है सो so, इसलिए ये क्या कहता है क्या कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रेगुलेटेड स्टेट्स बोडोइंगटिकल टू नाइन्टी थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सेंटर टाइटेंड बोडोइंग नॉर्म तो सेंटर ने क्या किया है टाइट कर दिया है बोडोइंग नॉर्म्स किसके लिए फॉर स्टेट के लिए इंक्लूडिंग ऑफ बजट बोडोइंग लाइबिलिटीज ये क्या होता है ऑफ बजट बोरोइंग लाइब्रिटी पूरी की पूरी टॉपिक है जस्ट इसके भी बात तो हम लोग उसे समझेंगे एज अ पार्ट ऑफ स्टेट्स एनुअल नेट बोरोइंग सीलिंग तो ये थोड़ा गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया मैं आपको बताऊंगा कि पहले ऑफ बजट पार्ट नहीं होता था टोटल स्टेट के बोरोइंग में लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि ये जो ऑफ बजट बोरोइंग है ना वो भी आपका एनुअल नेट बोरोइंग का है और एनुअल नेट बोरोइंग के लिए एक सीलिंग है लिमिट है उससे ज़्यादा बोरो स्टेट नहीं कर सकता है तो वो भी कह रहा है क्या हर्डल्स है कि स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पा रहा है बिकॉज लैक ऑफ फंड है उसके बाद प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव इट इज़ प्रोवाइडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर लिंक इंसेंटिव टू 14 की सेक्टर क्या होता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है कि अगेन गवर्नमेंट इनकरेज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि मान लो आप कुछ पार्टिकुलर सेक्टर के लिए क्या कर रहे हैं कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं तो ऐसे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा प्रोडक्शन लिंक मतलब हालांकि बाय दी बे ओरिजिनल मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव क्या है गवर्नमेंट ने टोटल ट्वेंटी थर्टी सेक्टर एलोकेट कर दिया है बीस से तीस सेक्टर उस सेक्टर में मान लो आप क्या करते हो स्टार्टअप ओपन करते हो सपोज दैट कि आप जो है नट का जो है नट को क्या कर रहे हो आप पैकेज करके बेच रहे हो तो इसमें आप यदि हर साल जितना ग्रो कीजिएगा उस ग्रोथ परसेंट पे गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव देगा कुछ मनी से हेल्प करेगा क्योंकि आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हो इस तरह का स्टार्टअप तभी चल पाएगा जब इसके लिए एक वेल प्लान्ड क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कहाँ पे स्टेट में तो यदि स्टेट गवर्नमेंट इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा सो दैट विल बी इंसेंटिवाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सो so, ये एवरीथिंग अबाउट था कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में ये आर्टिकल नेक्स्ट हम लोग बात अब करते हैं पब्लिक डेब्ट के बारे में कि क्या स्थिति है कर्ज का विथ रिस्पेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट हो या टोटल स्टेट गवर्नमेंट कितना कर्ज में है वो चीज़ हम लोग अब देखते हैं है क्या आई एम एफ एनुअल आर्टिकल फोर रिपोर्ट में ये हाईलाइट करता है क्या इंडिया का जो पब्लिक डेट है अगेन पब्लिक डेट को भी हम लोग कंपेयर करते हैं जीडीपी से आपको पहले ही बताया कितना कर्ज है ये डिपेंड करेगा आपकी क्या इनकम है, है क्या हैसियत है कितना आपके पास बेस है तो पब्लिक डेट विथ रिस्पेक्ट टू जी एट जनरल गवर्नमेंट लेवल हैज़ बेरली इंक्रीज फ्रॉम एटी ये हुआ था इंक्रीज हुआ था कब टू एटी फोर परसेंट इन ट्वेंटी वन से ट्वेंटी टू लेकिन बैक टू अपने नॉर्मल पोजिशन पर अगेन एटी वन परसेंट हमारा पब्लिक डेप्ट इसके बारे में भी ऊपर था जिसमें कि हमने वो बात किया था इनकेसिंग कमेटी का रिकमेंडेशन सिक्सटी परसेंट होना चाहिए फोर्टी और ट्वेंटी का रेशियो होना चाहिए प्रजेंटली एटी वन परसेंट है तो इसमें स्टेट का फिफ्टी सेवन सेंट्रल गवर्नमेंट का फिफ्टी सेवन परसेंट है ट्वेंटी सेवन परसेंट अप्रॉक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट का डेप्ट है टू तो ये सभी ऊपर के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पब्लिक डेट के बारे में बता रहा है मॉडल न्यूज कहता है क्या आ, पहले तो ये समझ लो पब्लिक डेट होता क्या है कितने तरीके से सरकारें कर्ज लेती हैं कर्ज क्यों लेती है तो सरकार की खर्च ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू तो इनकम यदि खर्च ज्यादा है खर्च मान लो वन ट्वेंटी रुपीज़ है सरकार को इनकम हंड्रेड रुपीज ये है ट्वेंटी रुपीज़ नहीं है दैट इज़ नोन एज फिज़िकल डेपजिट और इस ट्वेंटी रुपीज़ को पूरा करने के लिए सरकार लेती है कर्ज कर्ज़ लेने के लिए उसके पास दो सोर्सेज हैं एक तो इंटरनल डेट मैकेनिज़्म है मतलब देश के अंदर से ही कर्ज़ ले ले और दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल डेट कि देश के बाहर से कर्ज ले कर्ज लेने के लिए सरकार के पास अब समझते हैं इंटरनल डेट किस तरह से काम करता है इंटरनल डेट गवर्नमेंट का काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ कि गवर्नमेंट जारी करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट बॉन्ड और उस बॉन्ड के बेसिस पे आइदर फ्रॉम बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सरकार को पैसे मिल जाती है ये सारा मैकेनिज़्म कैसे काम करता है तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ वेट अ सेकेंड मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर किया था नहीं है वो अच्छा ठीक है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ इजी वे में तो <coughs> आई हैव दट लाइट वेयर इट इज अच्छा चलो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं कोई इशू नहीं इन वन साइड देयर इज़ बॉन्ड इशूअर सपोज दैट इस केस में हम लोग लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक बॉन्ड को इशू कर रही है और बॉन्ड बायर जो इस केस में हम ले लेते हैं बैंक ले लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ से वेदर इट इज बॉन्ड और सिक्योरिटीज ये यहाँ से रिलीज करके बैंक को देगी और इसके बदले में बैंक प्रोवाइड करेगा मनी एंड इन दैट केस ये जो बॉन्ड और सिक्योरिटी है उस पर क्या क्या मैंसन रहेगा तो इस पर लिखा रहेगा फेस वैल्यू मान लो फेस वैल्यू हम अपने केस में ले लेते हैं सौ रुपये का हमारा सिक्योरिटीज़ है इस पर मैंसन होगा इंटरेस्ट रेट कितना है सपोज इट इज़ फाइव परसेंट एंड देन आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड इसमें मैंसन होता है वेदर इट मे बी नाइन्टी वन डेज़ का हो सकता है वन एट्टी टू डेज का हो सकता है थ्री सिक्सटी फोर डेज का हो सकता है एंड ग्रेटर देन वन ईयर भी हो सकता है इन तीनों को जितने भी 191, 91 डेज 182 डेज एंड 364 डेज वाले को क्या कहते हैं हम लोग इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल और इसे कहते हैं डेटेड सिक्योरिटी बॉन्ड डेटेड सिक्योरिटी बिल या डेटेड ट्रेजरी बिल ये चीज़ या गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप इसे कह सकते हो एंड रिमेनिंग इज द ट्रेजरी बिल तो गवर्नमेंट जो है पब्लिक डेब्ट Uh, कैसे मैनेज करती है इंटरनल डेट से और इन सभी चीज़ को मैनेज कौन करता है तो ये किसके अंडर में ये सारा काम होगा इट इज़ अंडर दी आर बी आई आर बी आई इन सब चीज़ को रेगुलेट करता है और एक बात आपको ध्यान में रखना है जो कॉरपोरेट बॉन्ड एंड मार्केट है जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बदले में कोई कॉरपोरेट कंपनी होता तो उस केस में इन सभी चीज़ को मैनेज कौन करेगा तो से करेगा ये मोटा मोटी छोटा बेसिक रूल इसमें याद रखना है तो इंटरनल डेट के लिए अब दो मैकेनिज़्म है एक है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ एंड अनदर वन इज नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ का मतलब है ट्रेडेबल आप मतलब उस चीज़ को ट्रे, ट्रेड कर सकते हो व्हेन जो भी बॉन्ड होल्डर है वेदर इट इज़ बैंक है बैंक उस चीज़ को ट्रेड करके अदर बैंक के पास दे सकता है जब इसे नीड होगा मनी का तो यही बस इतना मतलब है इसका मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में क्या आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी अभी आपको बताया ग्रेटर देन वन ईयर के लिए बाकी जो ट्रेजरी बिल होता है टोटल नाइन्टी वन डेज वन एटी टू डेज एंड थ्री सिक्सटी फोर डेज़ के लिए होता है एंड थर्ड वन इज़ कैश मैनेजमेंट बिल ये ट्रेजरी बिल को ही कहते हैं जो कि नाइन्टी वन डेज़ के लिए है तो इसका पार्टिकुलर नाम है कैश मैनेजमेंट बिल सेकेंड वन इज़ नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इसमें क्या होता है फर्स्ट वन इज़ इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल जो कि मात्र फोर्टीन डेज के लिए रिलीज किया जाता है फॉर शॉर्ट टर्म के लिए रिलीज करते हैं बाय सेंटर किसके लिए फॉर स्टेट के लिए, लिए. मान लो कोई स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक काम आ गया तो उसके लिए रिलीज होता है इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल सेकेंड वन इज सिक्योरिटीज अगेंस्ट द स्मॉल सेविंग आपको पता है क्या गवर्नमेंट इज़ द होल अथॉरिटी ऑफ नेशनल स्मॉल सेविंग फंड जहाँ पे कि पीपल्स मनी है हमारा आपका मनी है बट वो किसके अंडर में रखा होता है दैट इज़ कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट क्या करता है वो हमारा मनी को कुछ समय के लिए ले लेता है और जितने रुपए की मनी गवर्नमेंट ने लिया उतना मनी का स्मॉल सिक्योरिटी स्मॉल सेविंग सिक्योरिटी फ़ंड जो है वो क्रिएट करके वो इस फंड में डाल देता है सो so, और जब गवर्नमेंट पैसा अपना मान लो इस अकाउंट में डाल देगी सो so वो फ़ंड की मेजोरिटी कंप्लीट हो गई तो ये भी चीज़ किस में आता है नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में दैट इज सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग एंड ये तो था इंटरनल सोर्स पब्लिक डेट गवर्नमेंट डेट लेती है एक्सटर्नल सोर्स से जैसे कि मान लो क्या है क्या मल्टीलेटरल एजेंसी है जैसे मान लो इसमें क्या है आई है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जैसे मान लो आई है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है तो ये दोनों वर्ल्ड बैंक का ग्रुप है एंड ए इज द other institution विच also कम्स under the बैंक नॉट वर्ल्ड बैंक मल्टी लेटरल बैंक ग्रुप में ए डी बी आसियान डेवलपमेंट बैंक इसको भी मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है सो इफ यू वांट टू सी दिस आई कैन शो यू तो हमने यहाँ पे मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक में जो अर्ली मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक था उसमें सबसे पहले वर्ल्ड बैंक ग्रुप देन आफ्टर देन आफ्टर आई एंड उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक मल्टी वर्ल्ड बैंक ग्रुप अपने आप में टोटल वन टू थ्री फोर फाइव आते हैं जिसमें कि आईबीआरडी आईबीआरडी का, का काम क्या है जो भी मिडिल इनकम कंट्री है और लो इनकम कंट्री है उसको लोन प्रोवाइड करना और टेक्निकल असिस्टेंस देना और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का क्या काम है तो जो पुअर कंट्री है बहुत पुअर है तो वो कुछ इतने जैसे मान लो सोमालिया है वो इतना गरीब है कि लोन का अमाउंट भी नहीं दे सकता है तो वो सिर्फ उसको ग्रांट और टेक्निकल असिस्टेंस देता है काफ़ी डिटेल में मैंने इसे पढ़ाया है आप इसे भी जाके चैनल से पढ़ सकते हैं बट केम टू आवर डिस्कशन तो गवर्नमेंट अपने डेट को जो है इंटरनली और एक्सटर्नली फंड करता है आते हैं अपने अबाउट पब्लिक डेट के बारे में क्या रिपोर्ट कहता है क्या पब्लिक डेट डिनोट्स लाइबिलिटीज़ पेएबल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली बात है जितना भी डेट लेते हैं चाहे वो गवर्नमेंट ले या हम लोग ले कोई भी कर्ज लेता है वो उस पर एक लाइबिलिटीज़ है एक क्या है वो बोझ है ये एक ना एक दिन आपको वापस करना है विच आर कॉन्ट्रैक्टेड अगेंस्ट कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया जैसे हमारे पास अपना हम किसके बेसिस पे कोई लोन लेते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू कोलिटरल हमारे पास कितना अपना संपत्ति है गवर्नमेंट की संपत्ति है कंसोलिडेटेड फ़ंड ऑफ इंडिया जहाँ पे कि पूरी गवर्नमेंट की मनी जो है पूरी इंडिया की मनी जमा होती है तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कर्ज देता है और ये कहाँ मैंसनड है दिस दिस इज मैंसन अंडर आर्टिकल टू नाइन्टी टू टू नाइन्टी टू में बोरोइंग दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंड 293 में ऑल दी क्रिटेरिया मेंशंस फॉर स्टेट गवर्नमेंट कैसे बोडो मनी बोरो करेगा और 293 आर्टिकल का सेक्शन थ्री ये कहता है बिफोर टेकिंग स्टेट्स एनी लोन दे हैव टू कंसेंट फॉर सेंटर लेना मस्ट है वेन एवर जब भी कुछ मनी बकाया बचा हुआ हो सेंटर के पास किसका स्टेट गवर्नमेंट के पास तो ये आर्टिकल ये आप बार आर्टिकल जाके एक बार रीड कर लीजिए ताकि वो रिमेंबर है वो चीज़ है करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डेट क्या है है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक डेट जो है फिफ्टी सेवन परसेंट है अब ये वही रिपोर्ट है जो स्टार्टिंग में दिया हुआ था जो मैंने आप सबको बता दिया है इसमें जनरल गवर्नमेंट डेप्ट कितना है अब यहाँ पे समझना है एक जगह सेंट्रल है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट है ये जनरल गवर्नमेंट डेप्ट मतलब पूरा का पूरा इंडिया का डेट कितना है जिसमें कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आ गया स्टेट्स का आ गया यूनियन टेरिटरीज का आ गया सब का कितना डेट है तो टोटल डेट एट्टी है फिफ्टी इतना है ट्वेंटी के आसपास का लगभग जो है स्टेट का है कई बार हमने तीन चार बार तो आज ही बात कर लिया होप्स आपको याद हो गया होगा इंटरनल डेट कंस्टीट्यूट नाइन्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ पब्लिक डेट और हमने टोटल यदि मान लो हमारा हंड्रेड परसेंट डेट है इसमें से नाइन्टी सेवन परसेंट हमने इंटरनली ही लिया है नाइन्टी फोर परसेंट और सिक्स परसेंट हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशन से लिया है दैट इज़ फ्रॉम हो सकता है वो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक हो और मे बी इट इज़ फ्रॉम आई एम एफ लेट्स अब कहता है क्या रीजन्स एंड इम्प्लीकेशंस ऑफ हाई डेट आपने देखा इंडिया के केस में हमारा डेट काफी हाई है इट इज बियॉन्ड द लिमिट इट इज एट्टी वन परसेंट लिमिट इज सिक्सटी परसेंट तो ट्वेंटी वन परसेंट एक्स्ट्रा है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक तो कहता है क्या फिजिकल रीज़न क्या है इतना डेट होने का पहले ये बता रहा है कि क्यों हमारा डेट बढ़ा है और इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ेगा रीज़न है कोविड आया था तो फिजिकल हमारा हमने हमारा इकोनॉमी उसमें स्ट्रिक्ट डाउन हुआ था तो हम उसको सपोर्ट करने के लिए अभी थोड़ा डेट लिए सेकेंड क्या है कि गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे क्रिएट कर रहा है रोड बना रहा है सीपोर्ट ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ कर रहा है सो दैट्स वाई इंडिया की खर्च बढ़ी है इसलिए हमें डेट लेना पड़ रहा है थर्ड थर्ड पॉइंट कह रहा है क्या सोशल वेलफेयर प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अस्सी करोड़ पीपल को फ्री में अनाज दे रही है इस तरह का कई सारा सोशल प्रोग्राम है फार्मर को सिक्स थाउजेंड एनुअली मिल रहा है जिसकी वजह से एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बढ़ी है सो दैट्स वाई हमारा डेट बढ़ा है नेक्स्ट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग इंटरनल डेप्ट अब सिंपल सी बात है हमने इतना ज़्यादा लोन आज तो नहीं लिया है हजार बहुत दिनों से चलते आ रहा है तो जो आपने जो लोन लिया है उसका जो मेजर जब आप देखेंगे ना इंडिया का खर्च क्या है तो उस लोन का इंटरेस्ट पेमेंट मतलब पिछले साल जो लोन लिया है हमें उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है तो सर्विसिंग इंटरेस्ट डेट तो इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो पैसा दे रहे हैं वो भी हाई है ये चार रीजन है जिसकी वजह से हमारा डेट बढ़ा है ये रीजन है इसका इम्प्लीसंस क्या पड़ेगा इकोनमी में टू मेजर इम्प्लीकेशन अकॉर्डिंग टू मी वन इज क्या और नो नॉट अकॉर्डिंग टू मी अकॉर्डिंग टू मैगजीन सॉरी तो हाई इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंट फॉर फाइव परसेंट ऑफ जी डी इंडिया जैसा मैंने बात किया हमारा लोन इतना ज्यादा है तो हमें इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा पे करना होता है और पांच परसेंट ऑफ जी डी पी ये है एंड कहता है लीड्स टू क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप क्राउडिंग आउट इफेक्ट ये सिंपल टर्म से पूछ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट इज क्राउडिंग आउट इफेक्ट नॉट पूछ सकता है क्वेश्चन आस्क्ड है ऑलरेडी क्राउडिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है कि जब मतलब टोटल डेट मार्केट में फिक्स है फिक्स मतलब क्या यदि इसका मेजर पोर्सन गवर्नमेंट ही कर्ज ले लेगी तो प्राइवेट पार्टी के पास तो बचेगा नहीं प्राइवेट पार्टी के पास नहीं बचेगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा बिजनेस नहीं होगा सो इट विल क्राउडिंग आउट इफेक्ट अ रिडक्शन इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग ड्यू टू इंक्रीज इंक्रीज इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट लिया इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है सो दैट्स वाई दैट इज नोन एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट और क्या है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ऑन एक्सटर्नल डेट ये कहता है कि वर्ल्ड बैंक ने रिलीज किया है एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट 2023 के लिए एनालिसिस एक्सटर्नल डेट को करता है कितने कंट्री के लिए 122 लो और मिडिल इनकम कंट्रीज को उसमें से कुछ मेजर आउटकम्स क्या है तय क्या है ड्यू टू राइजिंग इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण और अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट के कारण क्या हो रहा है सर्विसिंग एक्सटर्नल डेट को बिकम अनबर्डन बिकम बर्डन सम मतलब वही बात जो हमने बात किया ऊपर में कि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है जो कि बर्डन हो रहा है ड्यू टू इंटरेस्ट रेट हाइक तो ये डेब्ट सर्विस कॉस्ट बढ़ा है मतलब कर्ज जब आप लेते हैं उसका कॉस्ट बढ़ गया है अधिक हमें पैसे खर्च करनी पड़ रही है क्योंकि हर साल उसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट हमने देख लिया नेक्स्ट आउट ऑफ मनी जब भी आपका क्या होता है क्या इंटरनल डेट बढ़ता है तो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट आप पे नहीं रहता उतना एंड दे विल नॉट इन्वेस्ट दो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्ट इन योर कंट्री एंड द नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू पब्लिक डेट दैट इज़ ऑफ बजट बोरोइंग जो पब्लिक डेट है इसी का नेक्स्ट पार्ट है दैट इज ऑफ बजट बोरोइंग देखो ये क्या है ऑफ बजट बोरोइंग यह एक ऐसा मैकेनिज़्म है ना जैसे कि अक्सर एक कहावत में हम लोग बोलते हैं ना कि कान को घुमा के पकड़ने का तो गवर्नमेंट उसी तरह क्या करता है इस अपना जो है कान हाथ घुमा के कान पकड़ता है मतलब क्या हमने आपसे भी थोड़ी देर पहले बात किया गवर्नमेंट के पास दो चीज़ें करनी होती एक तो गवर्नमेंट के पास क्या है रिवेन्यू uh, आता है दैट इज़ दैट वन इज़ पार्ट इज़ रिसीट पार्ट एंड अनदर पार्ट इज एक्सपेंडिचर पार्ट गवर्नमेंट के पास कुछ इनकम का सोर्स है मनी आ रहा है और खर्च करना है एंड ऑलवेज क्या देखा गया है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है और रिवेन्यू कम है और ऐसे में इस गैप को फुलफिल करने के लिए इस जो खर्च को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है जो जितना भी पैसा कम पड़ता है वो कर्ज से कहीं से ले लेता है या तो देश के अंदर या देश के बाहर तो और जितना कर्ज लिया दैट इज़ नोन एज फिज़िकल डेफिसिट ये इतना कर्ज है फिजिकल डेफिसिट तो जब लेकिन उसके बाद भी ये पॉइंट है कि ये फिजिकल डेफिसिट कितना होना चाहिए ऐसा तो नहीं सरकार मनमाना खर्च करे और फिजिकल डेफिसिट हो सके पूरा देश में कर्ज में ही डुबा दो ऐसा भी नहीं कर सकते तो इसके लिए क्या किया गया 2003 में एक्ट बनाया गया दैट इज़ एफ आर बी एम एक्ट फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट्री मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया दो में और इस एक्ट का कहना था कि गवर्नमेंट जो है थ्री परसेंट ऑफ जीडीपी से थ्री परसेंट ऑफ जीडीपी से ज़्यादा कर्ज नहीं ले सकती है मिनिमम थ्री परसेंट और इसमें भी क्या किया गया इसकेप रूट रखा गया यदि कोई मान लो फाइनेंशियल क्राइसिस है क्लामिटीज आ गया है तो उस केस में थोड़ा बढ़ सकता है लेकिन मेजरली थ्री परसेंट रखना गवर्नमेंट को लगा के चलो ये तो थ्री परसेंट का टारगेट है तो अब इसमें लुप होल्स कहाँ से निकाला जाए तो यही जो लूप हॉल्स है ये तीन परसेंट क्राइटेरिया को मेंटेन रखने के लिए दैट इज नोन एज ऑफ बजट बोरोइंग मतलब क्या ऐसा बोरोइंग करना जो कि बजट में दिखाना ही नहीं अब जब बजट में हम दिखाएंगे नहीं तो डेटा में तो वो आएगा ही नहीं और डेटा में नहीं आएगा तो हमारा ये मेंटेन रहेगा अब ये होता कैसे है ये जादू कैसे होता है तो ये जादू होता है इस तरह से अब मान लो कि है एक अब इसको भी समझते हैं एग्जाम्पल से ही आ, ये है एफ ठीक है एफ किसका बॉडी है तो ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉडी बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ने एफ को कहा कि मिड डे मील स्कीम के थ्रू क्या करो तुम कि एक लाख करोड़ का वन लाख करोड़ का क्या करो आ, अनाज जो है हर आ, हर सिटी में पहुंचा दो अपने से, पार्टिकुलर किसी स्टेट की बात करें एक लाख करोड़ का अनाज जो है फ्री में बंटवा दिया पूरा स्टेट में एफ ने बटवाया किस स्कीम के थ्रू सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिड डे मील स्कीम है उसके थ्रू जो है क्या एफ सी आई ने अनाज दे दिया टेक्निकली दिस कॉस्ट कहाँ पे आना चाहिए ऐड होना चाहिए तो बजट के एक्सपेंडिचर में ऐड होना चाहिए क्योंकि दैट इज़ द एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के ही प्लान है लेकिन अब इस बॉडोइंग को क्या करेगा गवर्नमेंट बजट में नहीं लिखेगा कहाँ लिखेगा तो एफ सी आई को अब गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि गवर्नमेंट सेइंग एफ सी आई तुम क्या करो इस एक लाख करोड़ का अपने से कहीं से बॉन्ड इशू करो शेयर इशू कर दो सॉरी बॉन्ड और सिक्योरिटी इशू कर दो और ये एक लाख करोड़ तुमको कहीं से कर्ज का व्यवस्था खुद करके ये मैनेज कर लो एफ सी आई कर लेगा ये कहीं से कर्ज ले लेगा एंड सो so, तो ये मनी इधर बाहर ही मैनेज हो गया एंड दिस इज एज ऑफ बजट बोरोइंग देखो कितना अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है बोरोइंग दैट आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन द बजट इवन दो इवन दो बजट्री रिसोर्स विल हैव यूज फॉर देर रीपेमेंट फिर भी बजट का रिसोर्स हम लोग बजट का रिसोर्स ही रीपेमेंट करने के लिए कर रहे हैं लेकिन हम उसको शो ही नहीं कर रहे हैं कहाँ पे बजट में ऑफ बजट बोरोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कैलकुलेसन ऑफ फिजिकल इंडिकेटर्स जो कि डिस्पाइट फिजिकल इम्प्लीकेशन इसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं उस पार्ट में एग्जाम्पल भी यहाँ पर सेम दिया है लोन बाई एफ सी आई फॉर पेइंग फॉर पेइंग फूड सब्सिडी बिल दिस प्रैक्ट लेकिन क्या किया गया अब ये प्रैक्टिस स्टेट के लिए सरकार ने अब बोला क्या स्टेट भी ये काम करने लगा ऑफ बजट बोर्डिंग तो स्टेट के लिए ये काम खत्म कर दिया बोला क्या तुम्हें ये चीज़ उसमें ही ऐड करना होगा सो इट इज़ ऑल्सो मैंसन हियर लेट्स तो एक एक करके पहले समझते हैं क्या है पूरा न्यूज देन आफ्टर जहाँ पे वो पॉइंट आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा ठीक है चलो तो कहता है क्या सेंटर फोर वेल सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस दैट इज़ सी एस ई पी रिसेंटली लॉन्च अ रिपोर्ट किस पे ऑफ बजट बोरोइंग रिपोर्ट पब्लिश किया है क्या है रिपोर्ट में ऑफ बजट बोरोइंग समझ में आ गया हमको रीजन्स फॉर रिजॉर्टिंग टू ऑफ बजट बोरोइंग क्यों आया तो वही जो मैंने बात किया कि दिखाना ही नहीं बताना ही नहीं तो बाईपास फिजिकल डेफिसिट टारगेट, कि एम एक्ट कहता है कितना कहता है एफआरबीएम थ्री परसेंट ऑफ जीडीपी होना चाहिए एट मैक्स योर फिजिकल डेफिसिट उसके बाद बोरोइंग लिमिट जो सेट किया हुआ है बोरोइंग लिमिट किसके लिए सेट किया गया कई बार हमने आज चर्चा कर लिया आर्टिकल टू नाइनटी थ्री ऑफ सेक्शन थ्री जिसमें कि ये कहता है कंसेंट ऑफ सेंटर बिफोर रेजिंग एनी लोन इफ दे हैव एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट मतलब सिंपल सी भाषा में कुछ पैसा बकाया यदि स्टेट के पास सेंटर के पास है तो स्टेट को कहता है कि आप पहले उसका पैसा जब तक बकाया नहीं पूरा किए हैं तब तक आप कहीं से पैसा नहीं ले सकते हो तो स्टेट ने भी, भी तरीका सीख लिया ऑफ बजट बोरोइंग स्टेट के अंदर जो भी गवर्नमेंट है मान लो इंस्टीट्यूशन है उसको बोला कि तुम खुद अपना जो है पैसा कर्ज पे ले लो ये हम सो ही नहीं करेंगे तो हम भी जो है ये बोरोइंग लिमिट को अवॉइड आर्टिकल टू नाइन्टी थ्री को बाईपास कर दिए सारा कहानी चल रहा है और उसके बाद सेंटर भी कुछ कुछ केस में क्या करता है डिले करता है ग्रांट प्रोवाइड करने में तो उसके वजह से भी स्टेट सोचता है सस्ता रास्ता अपना लेते हैं इम्प्लीकेशंस क्या है हाई ऑफ बजट बोरोइंग का तो इम्प्लीकेशन वही है ये भी आप भले ही ना दिखाओ लेकिन एक तरह का क्या है हिडन लाइबिलिटीज है हिडन कर्ज है जो दिखता नहीं है बट कर्ज है और इस तरह यदि चलता रहेगा तो डेब ट्रैप में गवर्नमेंट फंस जाएगा एंड एडवर्सली अफेक्ट अकाउंटेबिलिटी एज इट इज जनरली स्क्रूटनाइज कता है क्या उसके बाद जो है सो so, uh, ये इतना आर्टिकल था रिलेटेड टू फिजिकल पॉलिसी नेक्स्ट आर्टिकल है इसके बाद करंट अकाउंट डेफिसिट जो कि हम लोग आफ्टर अब ब्रेक के बाद इसे पढ़ेंगे सो so, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद